यूपी के दबंगों के सिर पर बदमाशी किस कदर हावी है, इसकी वानगी एक बार फिर बरेली में उस वक्त देखने को मिली जब रुआब के नशे में चूर दबंगों ने न केवल हथियारों का प्रदर्शन कर कानून का माखोल उड़ाया बल्कि फायरिंग की धाएं धाएं का वीडियो बनाकर पीड़ित के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और पुलिस भी इन दबंगों की दबंगई के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है क्योंकि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी यूपी की बहादुर पुलिस की कार्रवाई अभी तक दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। दरअसल ये वायरल वीडियो बरेली के बहेड़ी थाना इलाके के रतनपुरी नोडांडी गांव का है जो चीख चीख कर दबंगों की दबंगई और उनकी कारगुजारी को बयां करने के लिए काफी है। पीड़ित की माने तो गत दिनों वीडियो में दिखाई पड़ रहे इन दबंगों ने उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी जिसकी रिपोर्ट पीड़ित ने बहेड़ी थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया कि तब से गाये बगाहे आरोपी हथियार लहराते हुए पीड़ित के घर के आसपास घूमते रहते हैं और धमकी देते रहते हैं जिसका प्रमाण इलाके में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड इन वीडियो में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हद तो उस वक्त हो गई जब इन लोगों ने अवैध हथियारों की नुमाइश और फिर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वीडियो शूट किया और फिर उसे पीड़ित के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया जिसके बाद से पीड़ित परिवार बेहद खौफजदा है। पीड़ित ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और बदमाशी का ये वीडियो पुलिस को सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है और साथ ही जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। 11 दिसंबर को झगड़ा हो गया था हमारे घर पे, उन्होंने फेयरिंग वेयरिंग की थी आके जी, ये सिमरनदीप सिंह, गगनदीप सिंह सर, अन्य लोग थे और साथ में जी। उसके बाद हमने तहरीर दी बहेड़ी थाने जी, उस तहरीर में अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज से 3 दिन पहले 11 तारीख को उन्होंने हमारे घर पे फिर आके अवैध हथियार दिखाए, हमें डराया धमकाया, सीसी कैमरे लगे हुए थे उनमें उनकी फोटो जा गई।